ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम वृत्तिक समाज कार्य। ये कार्यक्रम MSW प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतीकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम वृत्तिक समाज कार्य। पिछली वार्ता में हमने भारत में समाज कल्याण के क्षेत्र में 7 विचारधाराओं का उल्लेख किया था और ये भी बताया था कि इन सब का लक्ष्य है समाज कल्याण। इन्हीं 7 धाराओं में से एक है वृत्तिक समाज कार्य। कुछ लोग इसे व्यावसायिक समाज कार्य भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्क। आमतौर पर सवाल ये पूछा जाता है कि इसे व्यावसायिक के वृत्ति क्यों कहा जाता है। इसलिए कि इस विचारधारा के मानने वालों के समाज कार्य के प्रति वैसे ही विचार हैं जैसा कि किसी डॉक्टर या इंजीनियर का अपने अपने व्यवसाय के प्रति होता है। अर्थात यदि आपको डॉक्टर बनना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना होगा, वहाँ पढ़ाई करनी होगी और उस पढ़ाई में मानव शरीर और बीमारियों और इलाज के बारे में आपको वहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना होगा शिक्षकों के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इत्यादि। इसके अलावा आपको मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल्स भी करना होंगे और इस पढ़ाई के बाद में जो आपको डिग्री मिलेगी उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा और इसके साथ ही आप अपने काम के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करने का भी अधिकार रख पाएंगे। तो ठीक इसी तरह से समाज कार्य को एक व्यवसाय या वृत्ति के रूप में अपनाने के लिए आपको सबसे पहले किसी समाज कार्य महाविद्यालय अर्थात स्कूल ऑफ सोशल वर्क में एक तो प्रवेश लेना पड़ेगा और वहाँ जो पढ़ाई होगी आपकी उसके माध्यम से आपको ये प्राप्त होगा ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान। किसके बारे में? मनुष्य के बारे में, समाज के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में कि ये समस्याएं क्यों पैदा होती हैं, इनके कारण क्या हैं और इनके निराकरण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इसी के साथ जैसे डॉक्टर के छात्र को मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन करना सिखाया जाता है, सर्जरी करना सिखाया जाता है, इंजेक्शन कैसे लगाएं, उसी तरह से समाज कार्य महाविद्यालयों में भी लोगों के साथ में कैसे हम पेश आएं, कैसे उनके साथ में व्यवहार स्थापित करें, संबंध स्थापित करें, इसके भी कौशल आपको वहां पर सिखाए जाते हैं। उसी के साथ समाज कार्य महाविद्यालय में प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्षेत्रीय कार्य में छात्रों को भेजा जाता है संस्थाओं में, वहाँ पर वो लोग प्रत्यक्ष कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मेडिकल का छात्र काम करता है प्रैक्टिकल्स का। और 2 वर्षों में आप समाज कार्य की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी विश्वविद्यालय की MA समाज कार्य या MSW की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि व्यावसायिक शिक्षाओं में आम तौर पर होता है। और उसके बाद आप प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अधिकार पा सकेंगे और काम करने के बदले में जैसे डॉक्टर इंजीनियर अपने काम के बदले में अपना पारिश्रमिक ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से समाज कार्य के डिग्रीधारी कार्यकर्ताओं को अपने काम के बदले में, अपने समाज सेवा के बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है।
कृपया यह न भूलें कि आज का जो जमाना है वो है स्पेशलाइजेशन का या विशेषीकरण का। हर प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए आज विशेष ज्ञान एवं कौशल प्राप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, और यही स्थिति समाज कार्य के क्षेत्र में भी आज है। आप देख ही रहे हैं कि चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक, मनुष्य की समस्याओं में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार से उनकी जटिलताओं में भी वृद्धि हो रही है। नई समस्याएं जैसे HIV एड्स या ड्रग एडिक्शन, ये भी हमारे सामने आ रही हैं, अतः इसके भी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, हो रही है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया के प्राय सभी देशों में समाज कार्य की विश्वविद्यालयीन शिक्षा देने वाली हजारों संस्थाएं हैं, जहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलने वाले लोग वृत्तिक या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं, ट्रेंड सोशल वर्कर्स या प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स। आप पूछेंगे कि प्रोफेशनल सोशल वर्क में या सोशल वर्क में या समाज कार्य में पढ़ते क्या हैं वो लोग, पढ़ाई क्या होती है? तो इसके लिए बिना किसी अनुमान का सहारा लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं उन विशेषज्ञों की परिभाषाओं के पास जिन्होंने इसके ऊपर बड़े आधिकारिक ग्रंथ लिखे हैं। इनमें सबसे आधिकारिक विद्वान हैं वॉल्टर ए फ्रेडलैंडर, जो अमेरिका के विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे। फ्रेडलैंडर साहब ने वृत्तिक समाज कार्य के बारे में कहा है कि ये मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान तथा कौशल पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है। मैं फिर से दोहराता हूँ, वृत्तिक समाज कार्य है क्या है? यह मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज तथा कौशल, स्किल पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है, जो व्यक्तियों की, या तो अकेले हो या समूह में हो, उनकी इस प्रकार से सहायता करता है कि वह सामाजिक एवं व्यक्तिगत संतुष्टि तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। यहाँ पर मैं आपको दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो फ्रेडलैंडर ने कहा है कि यह एक व्यावसायिक सेवा है, अर्थात जैसी व्यावसायिक सेवा डॉक्टर की होती है या इंजीनियर की होती है, वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता की भी होती है। दूसरा, डॉक्टर इंजीनियर की तरह यह भी ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने क्षेत्र का, और वो क्षेत्र क्या है? मानवीय संबंधों का। और उन मानवीय संबंधों के बारे में, अर्थात मनुष्यों के बीच में, समूह के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं, उसके बारे में वैज्ञानिक ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान, जिस तरह से एक फिजिक्स का अधिकारी एक केमिस्ट्री का विद्वान अपनी प्रयोगशाला में या किताबों से केमिस्ट्री या फिजिक्स का एक व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करता है, उसी तरह से समाज कार्य का विद्यार्थी भी अपने समाज कार्य महाविद्यालय में मानवीय संबंधों के बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करता है तथा कौशल प्राप्त करता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, इन कुशलताओं को प्राप्त करने के बाद, वह लोगों की सहायता करता है। कैसी सहायता? व्यक्तिगत सहायता और उसके साथ ही सामाजिक सहायता, समूह की सहायता। और इस सहायता का उद्देश्य क्या होता है? संतुष्टि और आत्मनिर्भरता, अर्थात व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी संतुष्ट हो और सामाजिक रूप से भी संतुष्ट हो, अर्थात व्यक्ति को समाज से संतुष्टि मिले और समाज को व्यक्ति से संतुष्टि मिले, और उसी के साथ में वह इस प्रकार से मदद करे या करना चाहिए उसको, सामाजिक कार्यकर्ता को, कि जिस व्यक्ति की वो सहायता कर रहा है वह उसके ऊपर निर्भर न हो जाए, बल्कि क्रमशः उसमें आत्मविश्वास जागृत हो, उसकी क्षमताओं में वृद्धि हो, और धीरे धीरे वह व्यक्ति इस प्रकार से आत्मनिर्भर हो जाए कि आगे चल करके अगर उसके सामने कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका समाधान बिना किसी बाहरी सहायता के वह खुद कर सके। यह तो हुई एक अधिकारी विद्वान की परिभाषा वृत्तिक समाज कार्य की या प्रोफेशनल सोशल वर्क की। एक और बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई है। आइए इस परिभाषा को भी देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना यह है कि वृत्तिक समाज कार्य अर्थात व्यक्तियों तथा उनके सामाजिक पर्यावरण के बीच में तालमेल या समायोजन में मदद करने वाली एक संगठित गतिविधि है। आप यहाँ ध्यान देंगे, इस समाज कार्य का जैसे कि परिभाषा यूनाइटेड नेशंस की है, उद्देश्य क्या है? व्यक्ति और उसके परिवेश, ये व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच में तालमेल बिठाना या समायोजन करना। आमतौर पर देखा गया है कि समस्याएं व्यक्तिगत हों चाहे सामाजिक हों, तभी उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति और उसके परिवेश या पर्यावरण के बीच में तालमेल नहीं होता है। उससे घर्षण पैदा होता है, समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर ये तालमेल ठीक से बैठ जाए
तो समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यही मानना है कि इस तालमेल में जो सेवा मदद करती है संगठित रूप से, उसे ही वृत्तिक समाज कार्य कहा जाता है। आगे यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधियों तथा प्रविधियों की रचना की जाती है, अर्थात सहायता देना कोई आसान काम नहीं है। एक व्यक्ति अपनी समस्या से जूझ रहा है, कई बार अगर हम उसको गलत तरीके से सहायता देंगे तो उसकी समस्या में इजाफा भी हो सकता है, व्यक्ति की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पेट में दर्द है और उसका एक मित्र कहे इसके पास के मेडिकल की ट्रेनिंग नहीं कि लाओ मैं तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हारा पेट ठीक कर देता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। तो इसी प्रकार से सहायता करने के लिए वृत्तिक समाज कार्य में महाविद्यालयों में खास विधियाँ सिखाई जाती हैं, टेक्निक सिखाई जाती है, मेथड सिखाई जाती है। और ये मेथड और टेक्निक इस प्रकार से बनी हैं कि उनके जरिए व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिले। और ये आवश्यकताएं कब पैदा होती हैं? जब व्यक्ति जन्म लेता है और उसके बाद से उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं और आर्थिक आवश्यकताएं ये पैदा होने लगती हैं। और इनकी अगर पूर्ति न हो सही ढंग से, समाज द्वारा स्वीकृत ढंग से, तो व्यक्ति कुंठित होता है और समाज में भी समस्या पैदा होने लगती है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति में भी एक ट्रेंड सोशल वर्कर या वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता अपनी मदद करता है। इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि अगर अपने परिवेश से समायोजन नहीं है तो उनसे समस्याएं पैदा होती हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था। और इन समस्याओं के समाधान का एक रास्ता और है कि लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ में सहयोग करें। और सहयोग की भावना को भी प्रेरणा एक वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता देता है। और ये जो आपस में सहयोग करके व्यक्ति जो उपक्रम करते हैं, उसका उद्देश्य ये भी होता है कि वह अपनी सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को सुधारें, उनमें विकसित करें उनको, ताकि उनके समस्याओं का समाधान हो सके। तो इस प्रकार इस लंबे परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा के आधार पर, कि वृत्तिक समाज कार्य का मूल उद्देश्य है समायोजन पैदा करना व्यक्ति और उसके परिवेश में, और इसी के साथ में लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए भी प्रोत्साहन देना। और जैसा कि हमने बताया आपसे कि इस प्रोत्साहन के लिए, इस मदद के लिए वृत्तीय समाज कार्य के कार्यकर्ताओं ने विशेष विधियों का आविष्कार किया है, विशेष टेक्निक्स को उन्होंने कोशिश की है निर्मित करने की। और इस प्रकार से वो कोशिश की जाती है कि व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, चाहे समुदाय हो, वह सहायता करने वाले पर निर्भर ना हो, अपनी सहायता खुद कर सके। तो आइए इन दोनों परिभाषाओं का विश्लेषण करें, इसको जानने की कोशिश करें कि वृत्तिक समाज कार्य आखिर है क्या, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। किसी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को जानने के लिए हमको उसकी विशेषताओं का पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका वर्णन करके हम किसी और व्यक्ति को बता सकते हैं कि वह व्यक्ति या प्राणी क्या है। उसी प्रकार से वृत्तिक समाज कार्य की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इन दोनों परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर हम अपने सामने रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहली जो पहचान है वृत्तीय समाज कार्य की, वो यह है कि यह एक सहायता मूलक गतिविधि है और साथ ही सुसंगठित भी है, हेल्प ओरिएंटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन प्रिय छात्रों, यह जो हमारी सहायता है वृत्तीय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दी जाने वाली, यह उस दान से बहुत अलग है, उस सहायता से बिल्कुल अलग है जो कि रास्ता चलते व्यक्ति किसी और को दे देता है। पहली बात तो यह है कि यह सहायता टेम्परेरी या अस्थायी नहीं है, यह निरंतर चलती रहती है और इसके अपने कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम तो ये सहायता देने का कि जिस व्यक्ति की हम सहायता कर रहे हैं उसके प्रति हमारा तिरस्कार की या दया की कोई भावना नहीं होती। हम तो ये मानते हैं कि ये व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई सक्षम व्यक्ति, कोई धनी व्यक्ति, कोई बलवान व्यक्ति। हमारी निगाह में सारे के सारे लोग एक ही जैसे हैं, और अगर हम उसकी सहायता कर रहे हैं तो हमारी उपेक्षा का पात्र वो नहीं हो सकता है। हम इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि उस व्यक्ति के आत्मसम्मान की भी रक्षा हो, उसको कोई ठेस न पहुंचे। इसके साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि सहायता इस प्रकार करें कि वह धीरे धीरे अपनी सहायता करने में सक्षम होता चला जाए, अर्थात उसके आत्मविश्वास को जागृत करें, उसकी क्षमताओं को विकसित करें और परावलंबन की भावना उसमें कम से कमतर होती चली जाए, इस बात का प्रयास करते हैं हम लोग। और इसलिए हमारे इसमें एक नारा है, हेल्प अदर्स टू हेल्प देमसेल्व्स, अर्थात दूसरों की मदद इस प्रकार करो ताकि वो अपनी मदद खुद कर सके। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है
अगर किसी भूखे व्यक्ति को तुम भोजन की व्यवस्था करना चाहते हो तो एक तरीका तो यह है कि रोज उसको मछली पकड़ करके ला करके दो, और दूसरा तरीका यह है कि उसको जाल का प्रयोग सिखा दो, किस प्रकार से जाल का प्रयोग किया जाता है। अगर वो प्रयोग सीख गया तो व्यक्ति रोज बिना तुम्हारी मदद के अपना पेट खुद भर सकेगा। यह भी आपने देखा होगा कि ये जो सहायता दी जाती है यह वेल ऑर्गेनाइज्ड या सुसंगठित होती है, और इस सहायता के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं, सहायता को देने की स्पष्ट नीति होती है, और इसके अंतर्गत जो भी हमारे पास में संसाधन उपलब्ध हैं कैश या काइंड में, उनका भी योजनाबद्ध रूप से निश्चित विधियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो छात्रों, यह प्रत्येक समाज कार्य की पहली विशेषता हुई कि यह एक सहायता मूलक गतिविधि है और सुसंगठित है, हेल्प ओरिएंटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो कि दान की दी जाने वाली सहायता से बिल्कुल अलग है। अब आइए वृत्ति समाज कार्य की दूसरी विशेषता देखें। दूसरी विशेषता है मानवीय संबंध विषयक वैज्ञानिक ज्ञान, ये इसका आधार है। ज्ञान कैसा? सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर ने कहा है कि समाज क्या है? मानवीय संबंधों का ताना बाना। और इसी मानवीय संबंधों के ताने बाने के बारे में हमारा छात्र 2 साल तक ज्ञान प्राप्त करता है व्यवस्थित तरीके से, अर्थात मानव, उसका समाज और उनके समस्याओं के बारे में। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि मनुष्य के मन मस्तिष्क के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आचरण के बारे में और उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के बारे में। और ये समस्याओं का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है? पहला, समस्या का स्वरूप क्या है? जैसे भिक्षावृत्ति, समस्या का स्वरूप क्या है, भिक्षावृत्ति के कारण क्या हैं, उनके उन्मूलन के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में ज्ञान वह अर्जित करता है। उसी तरह से समाज की रचना, मानव समाज की रचना, उसकी संस्थाएं, उसके समूह, मानवीय संबंधों के विभिन्न प्रकार और उसकी समस्याओं के बारे में भी छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। प्रिय छात्रों, प्रत्येक समाज कार्य में जो छात्र 2 साल के अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त करता है वो अभी 2 प्रकार का है। एक तो हम कहते हैं उसको संकलित ज्ञान या एक्वायर्ड नॉलेज। इसमें हमने अन्य विषयों से भी उपयोगी जानकारी और उपयोगी ज्ञान ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए, हमको चाहिए मनुष्य के बारे में अंदरूनी जानकारी, उसके व्यक्तित्व में झांकना, तो इसके लिए हमने मनोविज्ञान की और मनोचिकित्सा की सहायता ली है। इन दोनों क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई है, बहुत ज्ञान अर्जित हुआ है और उसमें से भी हमने अपने काम का ज्ञान ग्रहण किया है। उसी प्रकार से मनुष्य का जो बाह्य आचरण है, मनुष्य के जो बाहरी क्रियाकलाप हैं, उनका भी अध्ययन, उनके भी अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग साइंसेस हैं। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कानून आदि, इनसे भी हमने ग्रहण किया है अपने छात्र के लिए। लेकिन इसमें एक फिल्टर लगाया हमने, एक छन्ना लगाया, और छन्ना क्या है? कानून से केवल हम उतना ही लेंगे जितना कि हमको अपने काम में उपयोगी हो, अर्थात हमारे सेवार्थी को मदद करने में जितना ज्ञान उपयोगी है केवल उतना ही हम कानून से, क्योंकि कानून का क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसी तरह से समाजशास्त्र से भी उतना ही हम लेंगे जितना कि हमारे कार्य के लिए उपयोगी है। वही स्थिति साइकोलॉजी और साइकियाट्री के बारे में भी है, उतना ही ज्ञान जो हमारे व्यावहारिक उपयोग का हो। तो यह तो वह ज्ञान का एक प्रकार। और दूसरा, स्व अर्जित ज्ञान, अर्थात पिछले करीब 150 सालों में हमने जो क्षेत्र में कार्य किया है, हमारे जो अग्रज हैं, जो हमारे पहली पीढ़ी के जो लोग हैं, उन्होंने क्षेत्र में काम करते हुए व्यावहारिक ज्ञान अर्जित किया है। और ये ज्ञान जो है, खास करके जो हमारी सेवा की विधियां हैं जिसके बारे में अगली हम चर्चा करेंगे, उसके रूप में एक हमारी धरोहर है, एक हमारी विशिष्ट पूंजी है या थाती है। तो ये वृत्तिक समाज कार्य की दूसरी विशेषता हुई कि इसमें हम लोग व्यवस्थित ज्ञान के आधार पर और कौशल के आधार पर अपना कार्य करते हैं। आइए अब तीसरी विशेषता देखें। वृत्तिक समाज कार्य की सेवा की अपनी विशिष्ट विधियां हैं, जैसे कि परिभाषा में आपने देखा होगा, और ये विधियां हैं सहायता की, सेवा की सहायता की। अर्थात हम 3 स्तरों पर लोगों की सहायता करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर। और ये सहायता का मूल लक्ष्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा में बताया गया था कि पर्यावरण से समायोजन करने में उनकी मदद करना, कुसमायोजन को दूर करना या कम करना, उसको समस्या के निराकरण में मदद करना। व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है या समुदाय या कोई गांव या शहर समस्या से जूझ रहा है, उनको इस समस्या के निराकरण में सहायता करना, और ऐसी सहायता करना
कि उन लोगों को व्यक्तिगत और सामाजिक संतोष प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो, आत्मनिर्भरता प्राप्त हो और स्वसहायता की आदत उनमें पड़ जाए। तो ये 6 विधियां हैं प्रत्येक समाज कार्य की। आइए इनके नाम मैं बता देता हूँ संक्षेप में। पहली विधि का नाम है वैयक्तिक सामाजिक कार्य, अर्थात सोशल केस वर्क, जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति की मदद व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है। दूसरी विधि का नाम है सोशल ग्रुप वर्क या समूह समाज कार्य, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अपने सामने के जो समूह है, कोई समस्याग्रस्त समूह या साधारण समूह, उसकी मदद करता है। तीसरी विधि है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या सामुदायिक संगठन, इसमें पूरे गांव या शहर या प्रांत की मदद की जाती है। समाज कार्य की एक विशेष विधि है। चौथी विधि है सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध, सोशल रिसर्च या सोशल वर्क रिसर्च, इसमें सामाजिक समस्याओं के ऊपर आधारित खोजबीन होती है और इस बात का पता लगाया जाता है कि कौन से समस्याएं हैं, क्या उनके कारण हैं और कैसे उन कारणों को दूर किया जा सकता है। उसके बाद है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन या समाज कल्याण प्रशासन, इसमें सामाजिक संस्थाओं के संचालन की विधि सिखाई जाती है। और सातवीं विधि है सामाजिक संक्रिया, या उसको दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं सामाजिक आंदोलन, अर्थात किसी समस्या के ऊपर समाज द्वारा या बहुत बड़े समूह द्वारा आक्रमण। राजा रामन रॉय इसका बहुत अच्छा उदाहरण थे, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ इसी सामाजिक संक्रिया का या सोशल एक्शन का प्रयोग किया था और सती प्रथा के खिलाफ कानून पारित करवाया था। तो ये हुई तीसरी विशेषता समाज कार्य की कि इसकी सेवा करने की विशिष्ट विधियां होती है। अब आइए चौथी विशेषता देखें इसकी, और चौथी विशेषता यह है कि वृत्तिक समाज कार्य पूरा का पूरा मानवतावादी दर्शन पर आधारित। इसकी अपनी जो फिलॉसफी है इसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी या मानवतावादी दर्शन। और इस दर्शन के 3 अंग हैं। अगर आपको इसके दर्शन को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके मूल्य क्या हैं, व्हाट आर द वैल्यूज। तो इसके संक्षेप में कुछ मैं वैल्यूज गिना देता हूं आपके सामने। एक तो है डिग्निटी ऑफ मैन, अर्थात व्यक्ति की गरिमा। मनुष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा धनी है, बहुत बलवान है या राजनीति में बहुत ऊपर है, नहीं। हमारे लिए उसका महत्व केवल इसलिए है कि वह एक मनुष्य है। हमारे एक मूल है समानता का। हमारे इस व्यावसायिक दृष्टिकोण के अनुसार कोई भेद नहीं है, जाति का भेद नहीं है, वर्ग का भेद नहीं है, सामाजिक स्थितियों का भेद नहीं है। हम सब में समानता के दर्शन करते हैं और समानता लाना चाहते हैं समाज में। उसी तरह से डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र में हमारा एक मूल्य है। पारस्परिक सहयोग, ये भी हमारा एक मूल्य है। तो वृत्तिक समाज कार्य के बहुत सारे मूल्य हैं, इसमें से कुछ मूल्यों की मैंने आपके सामने यहाँ चर्चा की है। दूसरा जो दर्शन का खंड है वो सिद्धांतों का, अर्थात सिद्धांत मतलब वो रास्ते जिन पर चल करके हम इन मूल्यों को प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए एक सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस या स्वीकृति का सिद्धांत, अर्थात जो भी व्यक्ति आपके सामने आया है सेवार्थी के रूप में, जैसा भी है, अच्छा या बुरा, उसके गुण दोषों के साथ में हम उसको स्वीकार करते हैं अपने सेवार्थी के रूप में। इस प्रकार से एक डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर ये नहीं देखता कि किस जाति का है, किस धर्म का है या कि क्या उसमें गुण दोष हैं, वो उसको एक पेशेंट के रूप में लेता है और उसकी बीमारी का इलाज करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता भी अपने सेवार्थी के लिए इसी प्रकार की धारणा रखता है। उसी प्रकार से एक और सिद्धांत हम लोगों का है, वह सिद्धांत है आत्मनिर्णय का, अर्थात कोई भी व्यक्ति अनपढ़ हो चाहे सुशिक्षित हो, समाज में कैसी भी स्थिति हो, उसको अपने बारे में निर्णय करने का पूरा अधिकार है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको अपना निर्णय उसके ऊपर थोपें। उसी तरह से हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व की रक्षा का अधिकार है। समाज में जो सामाजिक सेवाएं उपलब्ध हैं उनका उपयोग करने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। तो यह दूसरा खंड हुआ दर्शन का, सामाजिक सिद्धांत प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ताओं के। और तीसरा खंड है आचार संहिता, अर्थात जो व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता है उसके आचरण के लिए कुछ नियम निर्धारित हैं, अर्थात उस व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने सेवार्थी के प्रति, अपने संस्था के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति और अपने व्यवसाय के प्रति। 1973 में प्यूर्टो रिको में पूरी दुनिया के वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक सम्मेलन हुआ था, महासम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन में
कुछ आचार संहिता के मुद्दे और कुछ नियम उन्होंने तय किए। उसमें से कुछ मुद्दे मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक तो प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता का व्यवहार अपने सेवार्थी के प्रति कैसा हो, आदरपूर्ण हो, उसकी बात को ध्यान से सुना जाए, उसकी समस्या के बारे में उपहास न किया जाए, क्योंकि समस्या से पीड़ित व्यक्ति इसीलिए आपके पास में आया है कि वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता था। उसी प्रकार से जिस संस्था में काम करते हैं वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता, यह उनका कर्तव्य है कि उस संस्था के उद्देश्यों को, नियमों को, नीति को भली भांति हृदयंगम कर ले, जान ले अच्छी तरह से, और अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा कौशल उसके उद्देश्यों की पूर्ति में लगा दे। अगर संस्था की कहीं आलोचना होती है तो लोगों को समझाने का प्रयास करे कि वास्तव में स्थिति क्या है। उसी प्रकार से एक सामाजिक कार्यकर्ता का अपनी संस्था में जो और लोग काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों वाले, उदाहरण के लिए संस्था में डॉक्टर भी हो सकते हैं, मनोचिकित्सक भी हो सकते हैं, अर्थशास्त्री भी हो सकते हैं, चूंकि उनके बैकग्राउंड अलग अलग हैं इसलिए निश्चित रूप से उनके काम करने के तरीकों में थोड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन इसका उसको आदर करना चाहिए और अपनी बात उनको समझाने का और उनकी बात स्वयं समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से एक वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता का अपने व्यवसाय के प्रति क्या दृष्टिकोण है, अपने व्यवसाय के प्रति क्या जिम्मेदारी है। पहला, उसका जो कर्तव्य है, जैसा कि आचार संहिता में बताया गया है, अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को भली भांति समझ करके पूरा आचरण उसके हिसाब से ही उसको करना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य क्या है वृत्तिक समाज कार्य का? व्यक्ति को कुसमायोजन की स्थिति से बाहर निकालना और उसको अपने पर्यावरण के साथ समायोजन में पूरा पूरा सहयोग देना, ये उसका परम कर्तव्य है। दूसरा, उसको ये जानना चाहिए कि समाज में वह वृत्तिक समाज कार्य के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। हो सकता है उसके सामने कुछ अनुचित आलोचना भी हो उसके व्यवसाय की, उसके जो सहकर्मी उनके कार्यों की, ऐसी स्थिति में भी उसका कर्तव्य बनता है कि उनके सामने वस्तुस्थिति रखे, उससे उनका अवगत कराए। और कई बार लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता खास तौर से आचरण क्यों कर रहा है। उदाहरण के लिए, समुदाय में हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और वहाँ पर इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब अमुक राजनीतिक पार्टी का आप टिकट ले लें, हम आपको MLA या MP के रूप में देखना चाहते हैं, और वहाँ पर कार्यकर्ता उसको मना कर देता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसका कारण क्या, जब इतना अच्छा अवसर उसके सामने उपस्थित है, तो इस समय भी उसको लोगों को समझाना पड़ता है कि उसके आचार संहिता के हिसाब से वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक और उसका कर्तव्य अपने व्यवसाय के प्रति, और वो ये कि जो भी ज्ञान और जो भी कौशल उसने अर्जित किया है नया नया क्षेत्र में काम करके 10-20 साल के बाद में, तो ये उसका कर्तव्य है कि उसको अपने सहकर्मियों के साथ में उसको शेयर करें। जो अन्य व्यावसायिक कार्यकर्ता हैं, जो अन्य वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में उस ज्ञान को बांटे, किताब लिख करके, पेपर्स लिख करके, इंटरनेट के माध्यम से, या सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस। तो ये होगी चौथी पहचान उसकी। अब आइए पांचवी विशेषता वृत्तिक समाज कार्य की, और इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि समस्या निवारण वृत्तिक समाज कार्य का प्रमुख कार्य है। ये हम बता चुके हैं आपसे कि व्यक्तियों की आमतौर पर समस्याएं चार तरह की होती हैं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं। और इनसे जूझते जूझते व्यक्ति कई बार हताश और निराश हो जाते हैं, कई बार आत्महत्या के कगार तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन समस्याओं के निराकरण में वह सहायता करता है, और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, हेल्प अदर्स टू हेल्प देमसेल्व्स, दूसरों की मदद ऐसे करो ताकि वो अपनी मदद खुद कर सके। तो ये सहायता का मूल उद्देश्य है, और इसके साथ ही उसको ये भी ध्यान रखना है कि सहायता इस प्रकार से हो कि व्यक्ति की जो चार प्रकार की क्षमताएं हैं, अधिकतम उसमें जितनी वृद्धि हो सके वो वृद्धि उसको करना चाहिए। और अंतिम विशेषता वृत्तिक समाज कार्य की है, वो ये कि ये सारा का सारा जो आयोजन है ये स्वयं समाज की तरफ से ही होता है। समाज की तरफ से अर्थात कुछ वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता उन संस्थाओं में कार्य करते हैं जो शासन द्वारा या राज्य द्वारा स्थापित होती हैं और संचालित होती हैं। इन संस्थाओं कहते हैं शासकीय कल्याण की संस्थाएं या कल्याण की शासकीय संस्थाएं। और दूसरी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से स्वैच्छिक होती है, अर्थात समाज के नागरिकों ने मिल करके ये तय किया कि हमको अमुक समस्या से जूझना है, उसका निराकरण करने वालों की मदद करना है। तो वित्तीय मामलों में, स्टाफ के मामले में, नीति निर्माण के मामले में वो लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं, शासन से कोई सहायता नहीं लेते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद में इन संस्थाओं का एक और वर्ग खड़ा हो गया है, जिन्हें हम लोग कहते हैं NGO या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
और शासकीय कल्याण की संस्थाएं। ये जनता के पैसे भी ग्रहण करती हैं और शासन से इनको अनुदान भी दिया जाता है। इन दोनों प्रकार के संस्थाओं के अपने कुछ गुण दोष हैं। उदाहरण के लिए, जो शासकीय संस्थाएं हैं उनमें आर्थिक मजबूती होती है, पर्याप्त स्टाफ होता है, लेकिन इनके साथ में कुछ दोष जुड़ गए हैं और वो ये कि इनके काम करने की गति बहुत धीमी होती है और सेवा भावना के बजाय इनमें अधिकारी भावना का दर्शन ज़्यादा होता है। इनमें दूरदृष्टि और लचीलेपन का अभाव भी देखने को मिल सकता है। दूसरे प्रकार की जो संस्थाएँ हैं, स्वैच्छिक संस्थाएँ या जिन्हें स्वैच्छिक अभिकरण भी कहते हैं, आपको ये मैं बता दूँ कि भारत में आज 12 लाख से भी ज़्यादा एनजीओ हैं और वो एनजीओ जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो अपंजीकृत हैं उनकी संख्या तो और भी ज़्यादा है। इनकी विशेषताएँ ये हैं कि इन स्वैच्छिक संस्थाओं में लचीलापन होता है, काम करने की रफ्तार तेज़ होती है, दूरदृष्टि होती है, नया करने की कोशिश करते हैं, जन भागीदारी इनमें होती है और इसके साथ ही समाज को और जनता को शिक्षा भी मिलती है कि कैसे मिलजुल करके हम कल्याण के कार्य कर सकें। लेकिन इनके साथ में समस्याएं हैं, वित्तीय समस्याएं होती हैं ग्रांट की, और दूसरी स्टाफ की कमी भी इनमें काफ़ी होती है। तो अंत में निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वृत्तिक समाज कार्य का मूल विचार चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग की तरह समाज कार्य की विधिवत शिक्षा होनी चाहिए और इसकी ट्रेनिंग करके, इसकी विशेष शिक्षा प्राप्त करके इसको व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है और इसका उद्देश्य है लोगों के कुसमायोजन को दूर करके उनके समस्याओं के निराकरण में सहयोग करना तथा उनके क्षमताओं के विकास में सहयोग करना। इसी का नाम वृत्तिक समाज कार्य या प्रोफेशनल सोशल वर्क है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वृत्तिक समाज कार्य। विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर एस आर बिल्लोरे। उद्घोषिका थी पूर्वा शर्मा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।